देखिए, आज इस आज ये जो ट्रेजडी हुई है उसमें सांत्वना व्यक्त करने के लिए हम आए हैं, और प्रियंका जी ने स्वयं सांत्वना व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँची है, और बाकी तो चुनाव अपनी जगह है। सभी लोग चुनाव में लगे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से प्रियंका जी जगह जगह पर जाके चुनाव प्रचार में पहुंच रही हैं। जहाँ कोई उत्पीड़न की घटना होती है वहाँ पर वो पहुँचती हैं, जाती हैं, पहुँचने का प्रयास करती हैं, उनसे वार्ता करती हैं। तो चुनाव है, अच्छा है चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है चुनाव के बाद। देखिए, कांग्रेस कोई यहाँ पर हिसाब देने नहीं आई है। हम आज पहुँचे हैं, परिवार से बात की है, सांत्वनापूर्वक बात हुई, सद्भावनापूर्वक बात हुई, और प्रियंका जी से बात कराई है। और जो कार्रवाई करना पुलिस का काम है, कोई हमारा काम नहीं है या किसी और का काम नहीं है, पुलिस का काम है। रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? समय से रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी, रिपोर्ट नहीं दर्ज की, उस पर कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जिसकी जवाबदेही है, जवाब तो उसको देना है ना, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी देगा। देखिए, जो कल परिवार की तरफ से मांग रखी गई और उसमें लिखित बाकायदा लिखा हुआ था कि 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी, परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये सब पूरा लिखा हुआ है, और जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा दे रही। उसके ऊपर जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी का या एसपी के दस्तखत नहीं है, एक एडिशनल एसपी सिर्फ उनके दस्तखत करते हैं, और उसमें एक कहा कि दो सिपाही हम लगा देंगे सुरक्षा के लिए, आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक गरीब परिवार, एक दलित परिवार जो इस ट्रेजेडी से जूझ रहा है, और उसके प्रति इतनी सांत्वना व्यक्त नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।